सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो रेनो 8 5G के अंदर कलरओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का ऑफिशियल वर्जन रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने भी अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिला, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का फुल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में आपको कलरओएस 14 के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और नीचे आपको ओप्पो रेनो 8 5G का मॉडल नंबर CPH2359 देखने को मिलता है। बात करें इस अपडेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पर आपको 14.0.0.200 ब्रैकेट में EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 187.91 MB का है और ये आपको कलरओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन की स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ 5 दिसंबर 2023 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर दोस्तों सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पर ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी बेटर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन वगैरह जो है आपको काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है। पहले दोस्तों इसमें लेगिंग इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप नीचे की साइड स्वाइप डाउन करते हैं या फिर ऊपर की साइड में जो स्टेटस बार रहता है जिसमें आपको बैटरी, नेटवर्क वगैरह का छोटा छोटा आइकन देखने को मिलता है, वो कुछ कुछ सिचुएशन में प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता था, शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि इस अपडेट के बाद आपको स्टेटस बार में जो आइकन्स वगैरह है, नोटिफिकेशन आया रहता है उसका जो छोटे छोटे आइकन्स वगैरह है वो आपको प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की, वो आपको मिलता है दोस्तों डिस्प्ले और लेगिंग इशू का। अगर दोस्तों आप कोई सभी एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, स्वैप डाउन वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पर आपको लेगिंग इशू देखने को मिलता था। ज्यादातर दोस्तों एप्स ओपन क्लोज करने के टाइम पर लेगिंग इशू देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि आपको बेटर एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, स्वैपिंग अप डाउन वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर बैटरी के सेक्शन में स्टॉप चार्जिंग एट 80% वाला फीचर्स जो है न्यू देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी किसी यूजर को पहले ही मिल चुका था और किसी किसी यूजर को इस अपडेट के बाद देखने को मिला है। इस फीचर्स को दोस्तों ऑन करते हैं तो आपका जो चार्जिंग स्पीड है वो प्रॉपर वे में चलता रहेगा, लेकिन 80% के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, आपका चार्जिंग 80% से आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे कि जो बैटरी का हेल्थ है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा, आपका बैटरी हेल्थ जो है जल्दी डिक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इस फीचर्स के थ्रू दोस्तों आपका बैटरी हेल्थ काफी बेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, होम स्क्रीन में स्वैपिंग अप डाउन करते हैं, तो उस टाइम पर फोन जो है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप होम स्क्रीन में स्वैपिंग अप डाउन करते हैं,
एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ ओपनिंग क्लोजिंग स्वैपिंग अप डाउन वगैरह करने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो कैमरा के अंदर, अगर दोस्तों आप कैमरा से फोटो वगैरह लिए रहते हैं और उसको आप एडिटिंग के लिए इरेज टूल का यूज करते हैं तो जो इरेज टूल है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता था। जो कैमरा से फोटो खींचे रहते हैं उसमें एडिटिंग टूल्स या इरेज टूल यूज ही नहीं कर पाते थे, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा से फोटो वगैरह लेते हैं, एडिटिंग टूल से इरेज वगैरह करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो एप्स के अंदर, अगर दोस्तों आप थीम एप्स को यूज करते हैं और अगर आप थीम ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो उस टाइम पर ओपन होने से पहले स्क्रीन जो है वाइट हो जाता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको थीम एप्स ओपन करते हैं यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों होम स्क्रीन में अगर आप कुछ वर्क करते हैं या स्वैपिंग अप डाउन वगैरह करते रहते हैं तो उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन में होम स्क्रीन जो है टच को प्रॉपर वे में रिस्पांस नहीं कर पाता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप स्वैपिंग अप डाउन करते हैं, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं तो आपको होम स्क्रीन जो है टच को प्रॉपर वे में रिस्पांस करता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो एप्स के अंदर, यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर यूज करते हैं, एप्स वगैरह को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर प्ले स्टोर जो है ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता था, प्ले स्टोर एप्स के अंदर से ही वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता था, क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि इस अपडेट के बाद प्ले स्टोर यूज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के साथ प्ले स्टोर जो है यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, नीचे साइड स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट साइड बार में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको फाइल डॉक का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी किसी यूजर को पहले ही मिल चुका था और किसी किसी यूजर को अभी इस अपडेट के साथ देखने को मिलता है। इस फीचर्स को ऑन करेंगे आप देखेंगे स्मार्ट साइड बार में आपको ऊपर में फाइल डॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप किसी भी इमेज टेक्स्ट वगैरह को फाइल डॉक में उसे आप रख सकते हैं और उसे आप कहीं भी शेयर और सेंड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको शेयर एंड सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और फास्ट किया है। पहले दोस्तों काफी सारे यूजर को फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम होता था, प्रॉपर वे में फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉकिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी फास्ट और स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर। अगर दोस्तों आप कोई सभी एप्स वगैरह ओपन करते हैं तो जो होम स्क्रीन में वॉलपेपर सेट किए रहते हैं उसमें आपको शटर इशू देखने को मिलता था। जो एप्स ओपन किए रहेंगे उस एप्स को क्लोज करते ही तो होम स्क्रीन वॉलपेपर में शटर इशू देखने को मिलते थे, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों सिस्टम क्लोनर के अंदर। अगर दोस्तों आप सिस्टम को क्लोन किए रहते हैं और अगर आप मेन सिस्टम से क्लोन सिस्टम में स्विच होते हैं तो उस टाइम पर स्क्रीन फ्लिकर का प्रॉब्लम होता था, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं स्विच करते हैं तो उस टाइम पर स्क्रीन जो है फ्लिकरिंग करने लगता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको मेन सिस्टम से सिस्टम क्लोन में स्विच होने में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विच होने में आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है, कोई भी स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम नहीं शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों पासवर्ड अनलॉक के टाइम पर। अगर दोस्तों आप अपने हैंडसेट को रिबूट करते हैं, रिबूट होने के बाद दोस्तों होम स्क्रीन में इंटर करने के लिए पासवर्ड मांगता है, उस टाइम पर फेलियर इशू देखने को मिलता था, पासवर्ड डालने के टाइम पर प्रॉपर वे में रिस्पांस नहीं कर पाता था,
जिसकी वजह से फोन को रिबूट करने में होम स्क्रीन में जाने में प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आप फोन रिबूट करते हैं उसके बाद होम स्क्रीन में जाने के लिए पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों फोन क्लोन के टाइम पर। अगर दोस्तों आप फोन को क्लोन करना चाहते हैं, की सिस्टम क्लोन करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स कर दिए हैं, जिससे कि अब आप सिस्टम क्लोन करते हैं, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में स्विच होते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों डेस्कटॉप आइकन में। अगर दोस्तों आप किसी भी एप्स वगैरह को अपडेट करते हैं तो उस टाइम पर जितने भी डेस्कटॉप में आइकन रहते थे और डेस्कटॉप वाले आइकन को ही अपग्रेड करते हैं तो वो गायब हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप होम स्क्रीन में आइकन वगैरह रखे रहते हैं और अपडेट करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग और शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो कम्युनिकेशन के अंदर, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। यहाँ पर कुछ कुछ सिचुएशन में नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था, कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है यूज नहीं कर पाते थे, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह जो है करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर, वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो वाईफाई का कनेक्शन है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव और स्टेबल किया है। पहले दोस्तों कोई कोई वाईफाई जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट डिसकनेक्ट प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके इम्प्रूव करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर वाईफाई कनेक्शन और स्टेबल वाईफाई कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहीं पर आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला फीचर्स देखने को मिलता है, तो इस फीचर्स को ऑन करने के बाद भी दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला जो है फीचर्स वर्क ही नहीं कर पाता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं। अब दोस्तों आपको बेटर डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला फीचर्स यूज करने को मिलता है। साथ ही दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन के अंदर ही अगर दोस्तों आप कार कनेक्ट फीचर्स वगैरह को यूज करते हैं तो उस टाइम पर अगर आप कार को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर बार बार फेलियर इशू देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस होती थी, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कार कनेक्ट फीचर्स यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों होम स्क्रीन में ऐप रीनेम या फोल्डर रीनेम वगैरह करते हैं। अगर आप होम स्क्रीन में फोल्डर वगैरह क्रिएट किए हैं उसके अंदर के एप्स को रीनेम वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में रीनेम नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आप फोल्डर के अंदर के ऐप को रीनेम वगैरह करते हैं तो आप प्रॉपर वे में रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों गेस्चर गाइड बार का। अगर दोस्तों आप गेस्चर यूज करते हैं तो उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन में और कुछ कुछ एप्स में गेस्चर गाइड बार जो है प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आप गेस्चर यूज करते हैं तो आपको गेस्चर गाइड बार जो है प्रॉपर वे में नीचे की साइड शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो कैमरा के अंदर, यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा यूज करते हैं, वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटो लेते हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होता था, प्रॉपर वे में टच को रिस्पांस नहीं कर पाता था, क्लिक नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके कैमरा की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि अब आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस और फोटो वगैरह लेने के टाइम पर बेटर टच का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।
साथ ही दोस्तों कैमरा के अंदर ही अगर आप प्रो मोड में फोटो वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पर आपको इमेज जो है ब्लर देखने को मिलता था, ब्लरी इमेज का प्रॉब्लम फेस होता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप प्रो मोड में फोटो वगैरह लेते हैं तो आपको बेटर और प्रॉपर इमेज देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर और स्टेबल देखने को मिल रहा है। दोस्तों काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों अल्फा वर्जन बीटा अपडेट में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम फेस होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिए है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप बैटरी यूजेस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर हीटिंग और बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन अल्फा अपडेट और बीटा अपडेट से काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं तो इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको सही देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। पहले अल्फा अपडेट और बीटा अपडेट में काफी ज्यादा लैगिंग इशू, जिटर इशू, फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अल्फा और बीटा अपडेट से काफी बेटर गेम प्ले और स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको अभी भी फ्रेम ड्रॉप इशू और बीच बीच में जिटर इशू वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको ओवर हीटिंग और थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस होता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ऐड कर दिया है, आप वहां पर जाकर सभी सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ColorOS 13 एंड ColorOS 14 बेस्ड ऑन Android 14 का भी सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट है, लेकिन दोस्तों अगर आप ColorOS 14 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करना चाहते हैं तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी स्टेबल वर्जन नहीं है, जिसकी वजह से एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, अगर एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह आता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स और फीचर्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।